बागम्बरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उत्तराधिकारी को लेकर चल रहा संशय समाप्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी पंचायती निरंजनी अखाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने संत समाज से मुलाकात की और उत्तराधिकारी को लेकर चल रहे मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए बलबीर गिरी को बागम्बरी पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व बागम्बरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत का राज भले ही अभी तक न खुला हो, लेकिन उनके उत्तराधिकारी को लेकर चल रहा विवाद अब समाप्त हो गया है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी पंचायती निरंजनी अखाड़ा पहुँचे, जहाँ उन्होंने पहले तो सभी स्थिति का जायजा लिया। इसके पश्चात मीडिया के समक्ष अपने आने का कारण बताते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अखाड़ा परिषद द्वारा दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ बलवीर गिरी को बागम्बरी पीठ के उत्तराधिकारी होंगे और वही इस मठ के महंत होंगे। सुना और आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया इस घोषणा को सुनेगी, क्योंकि कुछ नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे और भारतीय परंपराओं के सबके स्नेही थे, सबसे उनका स्नेह था। आज बागम्बरी गद्दी लेते हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग की गद्दी की बात चल रही है, तो गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलबीरपुरी जी महाराज को, जो उनके प्रिय शिष्य थे, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और उत्तराधिकारी बना करके उन्होंने रजिस्टर वसीयत किया है, हमने उस रजिस्टर को वसीयत को स्वीकार किया और मैं बलबीरपुरी जी को औपचारिक रूप से मैं आज घोषणा करता हूं, क्योंकि 5 तारीख को यह विधिवत कार्यक्रम होना है, लेकिन बलबीरपुरी जी को मैं औपचारिक रूप से महंत घोषित करता हूं। और हमारी जो एक बोर्ड बनने जा रही है, आप देख रहे हैं, मेरे हाथ महाराज ने कहा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी चेला गुरु ब्रह्मलीन महंत भगवान गिरी स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी जोर दबाव निर्मल मन से खूब सोच समझ कर यह स्वीकार करता हूं कि मैं मठ बागम्बरी गद्दी की परंपराओं का पूर्ण रूप से निर्वाह करूंगा। मठ की समस्त चल व अचल संपत्ति का आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक रूप से न स्वयं खुर्दबुद भ्रष्ट नष्ट करूंगा व न ही करने दूंगा। मठ की चल और अचल संपत्ति का किसी भी प्रकार का अंतर भी नहीं करूंगा और उसका क्रय विक्रय भी नहीं करूंगा। उसी परंपराओं को लेकर अखाड़े ने एक कार्यकारी बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड का गठन अभी हम करने जा रहे हैं। उस बोर्ड में हम 5 लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे अखाड़े के, 5 हमारे जो श्रीमंत है वो रहेंगे, और उस कार्यकारी बोर्ड जो बोर्ड है बोर्ड उस अखाड़े की परंपराओं को, उस मठ बागम्बरी गद्दी की परंपराओं का निर्वहन करेगा। उत्तराधिकारी के रूप में महंत हमारे बलबीरपुरी जी रहेंगे, जिससे कि मठ की परंपरा खराब ना हो, भारतीय संस्कृति की परंपरा खराब ना हो, हमारे संत समाज की क्षति ना हो और अखाड़े की और हमारे हनुमान मंदिर की लेटे हनुमान जी की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का कोई आंच ना आए, क्योंकि इसलिए एक कमेटी बनाई जाती है। अखाड़ा इसलिए है कि अखाड़ा एक नेतृत्व करता है, मैं आज अखाड़े का आचार्य हूँ, लेकिन हमारे ऊपर हमारे साथ पूरा अखाड़ा है, हमें अखाड़े का ध्यान रखना है, अखाड़े की परंपरा का ध्यान रखना है, इसलिए अखाड़ा सदैव सर्वोपरि रहता है। और अखाड़े आज निरंजन भगवान कार्तिक के बाद मेरी मान्यता दी गई है, मुझे मानते हैं लोग, मैं आज लाखों साधुओं का निरंजनी अखाड़े का गुरु हूँ। मुझे लगता है कि इसी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बागम्बरी गद्दी का जो संचालन है वो हमारे शिष्य और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज के उत्तराधिकारी उनके शिष्य, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, मेरे भी शिष्य हैं वो उसका उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त होंगे वो, और मैं उनके औपचारिक घोषणा करता हूँ 5 तारीख को विधिवत। उत्तराधिकारी की इसी घोषणा को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के साथ पहुंचे अखाड़ा परिषद के सचिव रविंद्र पुरी ने मीडिया को बताया कि मठ का संचालन अखाड़ा परिषद के 5 सचिव की देखरेख में होगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि महंत नरेंद्र गिरी मौत पहले में बलबीर गिरी किसी भी रूप में दोषी पाए गए अथवा संतों की मर्यादा के विपरीत यदि किसी भी रूप में दोषी पाए गए तो उनके परंपरागत अधिकार से उनका बर्खास्त कर दिया जाएगा। अखाड़ा और मनसा देवी मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ। मैम जी, ये जो वसीयत है जो आपके पास है, इसमें किन किन लोगों के नाम पे वसीयत रूप में उस लोगों ने उसको वसीयत को जो है जो देखा है, मैंने भी देखा है, उसमें ये दिया हुआ थोड़ा भिन्नता उसमें ये है कि जो परंपरागत हमारी वसीयत होती है उस हिसाब से उस को नहीं लिखा गया है, परंतु हमें जो भी वसीयत लिखी गई उसको मानना है, जो उसमें जिसका भी नाम दिया उसको हमें मानना पड़ेगा। उसके
अलावा हमारे अखाड़े का जो नियम है वो ये है कि हमें एक बोर्ड का गठन करना है, जो बोर्ड जो है जो मठ मंदिर की निगरानी करेगा, ताकि ऐसा जो हमारा होने वाला महंत जो महंत वहाँ बैठेगा वो जो जैसे आपको मैं ये कहीं कमी है, अगर समाज का भय हमको न हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हर व्यक्ति पे ये नियम लागू होता है। समाज का भय भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, भय होगा तभी जो है एक संत महात्मा सही रह सकता है। भाई संत महात्मा हो आप हो कोई भी हो, घर में अगर माँ बाप का भय नहीं होगा तो आप भी बिगड़ जाएंगे, वैसे अगर संतों को किसी का भय नहीं होगा संत भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है कि जो वहाँ की संपत्ति है वो संपत्ति हमारी निजी नहीं है, लोगों ने दान में दी है, राजा महाराजाओं ने हमें वो दान में दी है, पूर्व में कहीं संपत्ति हमारी वहाँ बिक चुकी है, बहुत कम संपत्ति बची है, उसकी सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो, और ताकि जो है जो धर्म का काम कार्य जो विद्यालय की जो विद्यालय जो हमारा वहाँ है उसका अन्य क्षेत्र वहाँ चलता रहे, बच्चे पढ़ते रहे, उसके लिए हमने जो बोर्ड का गठन किया है उसका नाम है सुपरवाइजर। गलती करता है कोई धर्म के विपरीत मर्यादा के विपरीत कोई कार्य करता है उसको जो है महंताई पद से निष्कासित किया जाएगा और योग्य व्यक्ति को वहाँ का महंत बनाया जाएगा। ये आज का नहीं है, परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। बोर्ड में कौन कौन से संत शामिल है महाराज जी, कौन कौन से संत करेगा वो सुपरवाइजरी बोर्ड को बताता जाएगा, महाराज ये काम करना है सबको बताएगा वो, ये नहीं। उसमें ये भी है कि आजकल नियम ये भी है कि हर व्यक्ति जो है कहीं भी विभाग है कहीं कुछ आप वहां में तो इंक्वायरी लेते हैं, वैसे बोर्ड है, बोर्ड के अंदर में वो काम होगा और बोर्ड जो है वो पूरी जो है उसकी मठ की सुरक्षा जो है करेगा। आई है किसी में तीन नाम है, चार नाम है, पांच नाम है, उसके बाद जो वसीयत जो है इसमें एक ही नाम है, और अभी वसीयत मैंने स्वयं नहीं देखी है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, परंतु हमने हमको ये सुनने में आया सोशल मीडिया में हमने देखा, टीवी के माध्यम से हमने देखा कि वसीयत में उन्होंने जो है अपने शिष्य बलबीर गिरी का नाम लिखा हुआ है, इसीलिए जो अखाड़ा जो है इस जो ये वसीयत है इसको देख के आज जो है आज बैठक में निर्णय लिया गया।